Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you very much for joining this event. Before I start, why we are doing this event? You know, yesterday was the birthday of Allama Muhammad Iqbal, and day by day, social media is coming in our lives more and more, and books are getting back. So we need to shift the important messages from book to the tape, to the social media, for broader reach, for promotion among the youth and masses. अभी मैं आपके सामने अलामा इकबाल का एक और कलाम पेश करना चाहता हूँ, और वो है बंदा ए मोमिन की शान। अलामा इकबाल का बंदा ए मोमिन, अलामा इकबाल बंदा ए मोमिन किसको कहते हैं? अलामा इकबाल का बंदा ए मोमिन जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अलामा इकबाल अपने इसमें, अपने फारसी कलाम में, पर्शियन पोइट्री में अलामा इकबाल जहाँ बयान करते हैं वाकया करबला, जब वाकया करबला बयान करते हैं अलामा इकबाल पर्शियन पोइट्री में, तो वहाँ मोमिन मोमिन के बारे में एक बात उन्होंने कही है, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप फरमाते हैं कि मोमिन अस इश्कस्त, मोमिन से इश्क है, मोमिन अस इश्कस्त तो इश्क अस मोमिन अस्त, मोमिन से इश्क है और इश्क से मोमिन है। मोमिन अस इश्कस्त तो इश्क अस मोमिन अस्त, इश्क रा ना मुमकिन है मां, इश्क के लिए जो हमारा नामुमकिन है, इश्क रा इश्क के लिए नामुमकिन है माँ जो हमारा नामुमकिन है, मुमकिन अस्त इश्क के लिए मुमकिन है, इश्क रा नामुमकिन है माँ मुमकिन अस्त, और इश्क मोमिन अज इश्क अस्त तो इश्क अज मोमिन अस्त। तो मस्जिद कुर्तबा में अगर आप इसका मुतालिया करें तो आप वहां पर अलामा इकबाल का, अलामा इकबाल का एक एक तवील तवील आप पाएंगे, तवील राइटिंग अलामा इकबाल की जो है ना वो इश्क और मोमिन के हवाले से अलामा इकबाल ने बयान की हुई है। तो मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड आपके सामने पेश करता हूँ। जैसे अलामा इकबाल फरमाते हैं कि अव्वलो आखिर फना, बातिनो जाहिर फना, नक्शे कहन हो के नो मंजले आखिर फना, अव्वल फना आखिर फना, छुपा हुआ फना जाहिर फना, नक्शे कहन पुराना नक्श, नक्शे नो नया नक्श, मंजले आखिर फना, हाँ? आनियो फानी तमाम मोजजा हाय हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात, अव्वलो आखिर फना, बातिनो जाहिर फना, नक्शे कोहन हो के नो मंजले आखिर फना। ये कहने के बाद अलामा इकबाल फरमाते हैं कि नहीं, रुक जाओ, सब कुछ फना है मगर, है मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम, वो नक्श उसमें रंगे सबाते दवाम है, स्टैंप ऑफ परमानेंस, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम। अब मर्दे खुदा ने जिस नक्श को
जिस नक्श को जो नक्श मर्दे खुदा ने कायम किया हो उसको रंगे सबाते दवाम क्यों है। अल्लामा इकबाल आगे फरमाते हैं, मर्दे खुदा कामल इश्क से साहब फरोक, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। चूंकि मर्दे खुदा का जो काम है, जो अमल है, वो तो इश्क से फरोग पाता है, तो इश्क तो जिंदगी की बुनियाद है। इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम। तुंदो सुबक सैर है गरचे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम। सैल तूफान, तुंदो सुबक सैर, फास्ट एंड फ्री फ्लो, फास्ट एंड फ्री फ्लो, टाइड ऑफ द टाइम, तूफान जमाने की रो। तुंदो सुबक सैर है गरचे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम। इश्क की तकवीम में असरे रवा के सिवा और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। इन द क्रॉनिकल ऑफ लव, क्रॉनिकल किसे कहते हैं, क्रॉनिकल टाइम पीरियड, यू नो, हिस्ट्री। इन द क्रॉनिकल ऑफ लव, इश्क की तकवीम में मौजूदा जमाने के अलावा और भी जमाने हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। और अब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इकबाल सेज, इश्क दमे जिब्राइल, लव इज द ब्रेथ ऑफ जिब्राइल, दमे जिब्राइल, दम यू नो, सांस, सांस, दम। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लव इज द हार्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, लव इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, लव इज द वर्ड ऑफ गॉड। इश्क की मस्ती से है पैकरे गिल ताबनाक, पैकरे गिल ताबनाक मिट्टी का बना हुआ पुतला चमकदार है, पैकरे गिल ताबनाक। इश्क है सहबाए खाम, इश्क है कासुल कराम। इश्क फकीहे हरम, इश्क अमीरे जुनूत, फकीहे हरम मुफ्ती, अमीरे जुनूत कमांडर ऑफ द आर्मी। इश्क है इब्न सबील, उसके हजारों मकाम। इब्न सबील मुसाफिर, परदेशी, वेफेयरर, वेफेयरर, द वन हु ट्रेवल्स। इश्क के मिजराब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। ए हरमे कुरतुबा, इश्क से तेरा वजूद, इश्क सरापा दवाम, जिसमें नहीं रफ्तबूद। रंग हो या खिश्तो संग, चिंग हो या हर्फ सोत, मौजज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद। मौजज़ाए फन की है खूने जिगर से नमूद, कतराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल, पत्थर को दिल बनाता है, सिल को बनाता है दिल, खूने जिगर का एक कतरा
खूने जिगर से सदा सोजो सुरूरो सुरूद। हा, तेरी फजा दिल फरोज, मेरी नवासी न सोज, तुझसे दिलों का हुजूर, मुझसे दिलों की कशूद। अर्शे मुअल्ला से कम सीनाए आदम नहीं, गरचे कफे खाक की हद है सिपहरे कबूद। गरचे कफे खाक की हद है सिपहरे कबूद। पैकरे नूरी को है सजदा मुयस्सर तो क्या उसको मुयस्सर नहीं सौजो गदाज़े सुजूद। पैकरे नूरी फरिश्ता, पैकरे नूरी को है सजदा, सजदा तो वो करते हैं, है? सजदा फरिश्ते करते हैं, पैकरे नूरी को है सजदा मुयस्सर तो क्या, सजदे तो वो कर सकते हैं, सजदे करते हैं। उसको मुयस्सर नहीं सोजो गदाज़े सुजूद। सोजो गदास, हाय हाय हाय, सोजो गदास। काफ़रे हिंदी हूं मैं, देख मेरा ज़ौको शौक। काफ़रे हिंदी का मतलब ये अल्लामा इकबाल कहना चाहते हैं कि मतलब मैं अरब तो नहीं हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट केम इन अरब्स। अल्लामा इकबाल सेज लुक आई एम नॉट अरब, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया, बट लुक एट माय ज़ौक व शौक, दिल में मेरी लय में है, शौक मेरी नै में है, नगमाए अल्लाहू मेरे रगो पै में है। एंड नाउ अल्लामा इकबाल इज यू नो स्ट्रेट एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर मस्जिद कुर्तुबा। तेरा जलाल ओ जमाल मर्दे खुदा की दलील। गो बैक, यू नो हमने एक जगह कहा था ना कि हाँ मगर उस नक्श में है, मगर उस नक्श में रंगे सबाते दवाम, जिसको किया हो किसी मर्दे खुदा ने तमाम। नाउ अल्लामा इकबाल इज सेइंग मोर अबाउट दैट। तेरा जलाल ओ जमाल मर्दे खुदा की दलील। योर ब्यूटी योर मेजेस्टी पर्सोनिफाई द ग्रेसेस ऑफ द मैन ऑफ फेथ, मर्दे खुदा की दलील। वो भी जलील ओ जमील, तू भी जलील ओ जमील। जलील मैजिस्ट, मैजिस्टिक, जमील ब्यूटीफुल। तेरी बिना पाएदार, तेरे सुतूं बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। इफ यू लुक एट मस्जिद कुर्तुबा, यू विल फाइंड सो मेनी पिलर्स ऑफ मस्जिद कुर्तुबा। और जब आप उसको देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खजूर के बूटे, जैसे खजूर के बूटे। इफ यू लुक एट, इफ यू सर्च ऑन इंटरनेट एंड सी द इनसाइड पिलर्स ऑफ मस्जिद कुर्तुबा एंड देयर डिजाइन, यू विल फाइंड एज इफ देयर आर यू नो डेट्स, खजूर के जैसे खजूर के दरख्त लगे हुए। शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील।
तेरे दरो बाम पर वादिये ए मन का नूर। ओह तेरे दरो बाम पर वादी एमन, दैट प्लेस जहां हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था। वादी तेरे दरो बाम पर वादी एमन का नूर, तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल। यानी आह जलवा गहे जिब्राइल, जलवा गहे तेरा मीनारे बुलंद जलवा गहे जिब्राइल, मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है। नाउ यू मस्ट कीप इन माइंड अलामा इकबाल, व्हेन अलामा इकबाल सेड दिस, व्हेन ही रोट दिस पोएम, दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर मुस्लिम्स। India was occupied and you know Khilafat-e Usmaniya ended. African countries, South East Asian countries, they were occupied, colonized. So at that time Allama Iqbal wrote this poem and see what he is saying. मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है। The Central Asian countries, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, they were occupied by Russians. So apparently, यानी Muslims were very very down. So अल्लामा इकबाल says, मिट नहीं सकता कभी मर्द मुसलमान के है, उसकी अजानों से फाश सिरे कलीमो खलील, उसकी अजानों से फाश सिरे कलीमो खलील। कलीम हजरत मूसा अलैहि सलाम, वी नो मूसा कलीमुल्ला, खलील हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, वी नो इब्राहिम खलीलुल्ला। एंड देन अल्लामा इकबाल सेज अबाउट द बंदा ए मोमिन, उसकी जमी बेहुदूद उसका उफुक बेसुगूर, उसके समंदर की मौज दजला दुनियो बनील। So we will start from this place again in some next session. I will invite you and we will discuss about that. Thank you very much for joining. Hope to see you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.